मैं शीर खुरमा बनाने लगी हूँ और आप देखते हैं और बहुत ही आसान और फटाफट रेसिपी बन जाती है। ये सेवियाँ बारीक बन गया, ये देखो मैं ना इतना सा बटर डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं बारीक वाली है मैंने ली, थोड़ी सी मैं इसको फ्राई करूँगी और ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बटर की बहुत। और सवैयाँ आप इसमें पकाए करें और देसी घी में, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं। पानी डालूँगी और इसको मैं थोड़ा सा नरम करूँगी। और ये वालियाँ दूसरी सेवियाँ हैं सवैयाँ, ये कस्टर्ड सेवियाँ, इस ये भी मैं डाल दूँगी। हाँ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से डाल रही हूँ। जाया नहीं करना बेजक है, थोड़ा सा मैं तेज आंच पे आग हल्की कर दूंगी। ये मैंने वो जो शवारे होते हैं ना, खजूरे भी कह लो शवारे भी कह लो, और ये मैं डाल रही हूँ। अब मैं शुगर डाल रही हूँ मीठा, ना आप पसंद कर सकते हैं उतना डाल लें, और मैंने तो अपनी मर्जी से एक लीटर मैंने दो चम्मच डाले हैं। इसकी मैं बिल्कुल प्लेन हल्दी कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैंने वो शवारे डालने हैं ना, वो थोड़े से नरम हो जाएंगे, ये सवैयाँ भी नरम हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार पकेंगे। ये देखो कितनी अच्छी पक गई, अब मैं इसको और थोड़ी थोड़ी सी नरम ही रहने देना, बाद में बहुत सख्त हो जाती है वो, फिर अच्छी नहीं लगती हैगी। ये देखो मेरा शीर खुरमा तैयार हो गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी आने वाली वीडियो ताकि आपको जल्दी मिल सके और अपना ढेर ख्याल रखना और अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह।